साथियों, मैं जब भी तेलंगाना आता हूं, आप सभी लोगों की एक और छटपटाहट समझ आती है। आप लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन इस तरह परिवारवादी राजनीति के शिकंजे में हमारा तेलंगाना फंस जाएगा। परिवारवादियों को सिर्फ अपने बच्चों, अपने बेटे बेटियों के भविष्य की चिंता होती है, उन्हें देश के, तेलंगाना के दूसरे बच्चों का भविष्य बर्बाद होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और देश के लोगों को, तेलंगाना के लोगों को एक और बात भी नोट करनी होगी, ये जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं, उनकी नींव भ्रष्टाचार पर खड़ी होती है। परिवारवादी कांग्रेस का भ्रष्टाचार पूरे देश ने देखा है, परिवारवादी बीआरएस का भ्रष्टाचार पूरा तेलंगाना देख रहा है। कांग्रेस हो या बीआरएस, दोनों ही तेलंगाना के लोगों के लिए घातक है। इन दोनों से ही तेलंगाना के लोगों को बचकर रहना है। साथियों, किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए सबसे बड़ा पाप होता है अपनी जनता का भरोसा तोड़ना, और यहां की राज्य सरकार ने तेलंगाना के लोगों का भरोसा चकनाचूर करने का पाप किया है। कितनी सारी उम्मीदें लगाई थी आप लोगों ने, लेकिन हर उम्मीद को तेलंगाना सरकार ने तोड़कर रख दिया। यहां की सरकार अच्छी तरह जानती है कि पिछले 9 साल में उसने तेलंगाना के लोगों को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है। उसने राज्य में एक के बाद एक भर्ती घोटाले करके यहां के युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। तेलंगाना आंदोलनों के वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकता। कितनी बड़ी बड़ी बातें कही गई थी कि हम यहां लाखों भर्तियां करेंगे, युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन आपको इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ झूठ ही दिया है। तेलंगाना में भ्रष्टाचार का जो खुला खेल चल रहा है, इसका सबसे बड़ा नुकसान यहां के युवाओं को उठाना पड़ रहा है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्कैम के बारे में कौन नहीं जानता है? पिछले 9 वर्षों से तेलंगाना के लाखों नौजवान सरकारी भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहां की सरकार ने सरकारी नौकरियों को अपने नेताओं की तिजोरी भरने का माध्यम बना दिया है। साथियों, तेलंगाना की 12 यूनिवर्सिटीज में हायर एजुकेशन को तबाह करके यहां की सरकार ने लाखों नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। आज भी तेलंगाना की यूनिवर्सिटीज में 3000 से ज्यादा टीचर्स के पद खाली पड़े हैं। आज भी तेलंगाना की सरकारी स्कूलों में टीचर्स की 15000 से ज्यादा पोस्ट खाली पड़ी है। क्या ये इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ विश्वासघात नहीं है क्या? धोखा नहीं है क्या? इन लोगों ने
आपसे वायदा किया था कि हर बेरोजगार को 3000 रुपये का भत्ता देंगे। ये वायदा करके भी तेलंगाना सरकार ने नौजवानों को सिर्फ धोखा दिया, विश्वासघात किया। इन लोगों ने आपसे वायदा किया था कि गरीबों को 2 बेडरूम वाले 7 लाख फ्लैट बनाकर देंगे। ये वायदा भी यहां की सरकार पूरा नहीं कर पाई है। ये लोग किसानों के 1 लाख रुपया तक के कर्ज को माफ करने की बात भी कहा करते थे, लेकिन इस वायदे पर भी इनकी सरकार ने तेलंगाना के लोगों को सिर्फ विश्वासघात ही दिया है। साथियों, मुझे पता है कि तेलंगाना की ग्रामीण पंचायतें, यहां के सरपंच, यहां की सरकार से कितने गुस्से में हैं, कितने नाराज हैं। ये बीजेपी की केंद्र सरकार है जिसने तेलंगाना की ग्राम पंचायतों को 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधा देने का सुनिश्चित किया है। यहां की ग्राम पंचायतें ज्यादातर काम सेंट्रल फंड से ही करा रही है। केसीआर सरकार यहां ग्राम पंचायतों के सामने लगातार मुश्किल खड़ी कर रही है। इसलिए तेलंगाना की हजारों पंचायतें भी अब यहां की परिवारवादी सरकार को पटखनी देने का इरादा कर चुकी है। साथियों, बीजेपी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए गांवों में ज्यादा से ज्यादा खर्च कर रही है। पैडी प्रोक्योरमेंट के माध्यम से यहां के धान किसानों को पिछले 9 साल में 1,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए। मनरेगा के तहत तेलंगाना के गांवों में करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए का काम कराया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए भी तेलंगाना के करीब 40 लाख किसानों के बैंक खाते में 9,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। पीएम आवास योजना के तहत जो करोड़ों घर बनाए गए हैं, उनमें से भी हजारों करोड़ रुपए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पहुंचे हैं। साथियों, बीजेपी ने निरंतर प्रयास किया है कि किसानों को सशक्त करें, उनके खर्च कम करें, उनकी आय बढ़ाएं। हमने लागत का 1.5 गुना एमएसपी देने का वादा किया था, हमने वो गारंटी को पूरा करके दिखाया। हमने दाल की एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदी करके हमारी गारंटी पूरी की। हमने सिंचाई के नेटवर्क को सशक्त करने का वादा किया था, वो गारंटी भी हमने पूरी की। किसानों को कोल्ड स्टोरेज की दिक्कत ना हो, इसके लिए दुनिया का सबसे बड़ी भंडारण योजना पर पूरा काम हो रहा है। आप जानते हैं कि जो 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क देश में बनने वाले हैं, उनमें से भी एक यहां तेलंगाना में बनने जा रहा है। इन सभी प्रयासों का लाभ यहां के किसानों को होगा, हमारे कॉटन ग्रोवर किसानों को होगा। भाइयों बहनों, तेलंगाना की सरकार ने गरीब, दलित, पिछड़े आदिवासियों को सिर्फ झूठे वादे दिए, झूठी घोषणाएं दी, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार ने सही मायने में इन वर्गों को सशक्त किया है। वारंगल सहित इस पूरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में आदिवासी और पिछड़े समाज के लोग रहते हैं। पहले की सरकारों में
हमारे आदिवासी भाई बहनों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता था। सड़कें हो, पीने का पानी हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, हमारे ट्राइबल भाई बहन का नंबर सबसे अंत में आता था। आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए बीजेपी ने पहले की सरकारों की सोच और अप्रोच दोनों को बदल दिया। हमने आदिवासी क्षेत्रों में सैकड़ों नए एकलव्य मॉडल स्कूल खोले। हमने वन उपज के सही दाम देने के लिए एमएसपी का दायरा बढ़ाया। हमने जनधन केंद्रों के माध्यम से रोजगार के नए साधन तैयार किए। आज आप देख रहे हैं कि इन आदिवासी क्षेत्रों में 6 लेन के 4 लेन के हाईवे बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं, मिशन मोड पर 4G नेटवर्क की सुविधाएं तैयार की जा रही है। आदिवासी परिवारों में सिकल सेल एनीमिया के बहुत बड़ी दिक्कत है। अब बीजेपी सरकार ने सिकल सेल एनीमिया को जड़ से हटाने के लिए भी अभियान शुरू किया है। साथियों, आजकल कुछ लोग चुनाव से पहले जनता को गुमराह करने के लिए झूठी गारंटी लेकर आ रहे हैं। बीजेपी चुनाव के लिए झूठी बातें या झूठी गारंटी कार्ड नहीं बांटती। अगर बीजेपी हर गरीब परिवार को मुफ्त राशन देने की बात करती है तो पूरा राशन गरीब के किचन तक पहुंचता है। बीजेपी अगर आयुष्मान भारत कार्ड देती है तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हर गरीब परिवार को मिलने लगता है। अगर बीजेपी घर घर टॉयलेट बनाने का अभियान शुरू करती है तो हर गरीब दलित पीड़ित पिछड़े आदिवासी के घर तक सुविधा पहुंचती है। अगर बीजेपी गरीब परिवार की बहनों को नल से जल देने का भरोसा देती है तो ये काम पूरा करके भी दिखाती है। तेलंगाना की जनता ये सब कुछ अनुभव कर रही है। इसलिए आज तेलंगाना की आकांक्षा है, आज तेलंगाना की आशा अपेक्षा है, अब की बार बीजेपी सरकार, अब की बार यही भाव। मैं यहां वारंगल में देख रहा हूं, पूरे तेलंगाना में देख रहा हूं। भाइयों बहनों, ये बड़ी संख्या में आपकी मौजूदगी महाराष्ट्र राज्य के इस पावन भूमि को, पावन धरती को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे सौभाग्य है मेरे साथ आए हुए मंत्रिमंडल आमदार खासदार तेलंगाना राज्य के बालके जी ने हमारा बहुत ही अच्छे अंदाज में स्वागत किया और बहुत ही ब्रह्मांड नायक विठोबा जी के चरण में माथा टेकने का हमें जो दर्शन दिलवाए उस चीज के लिए मैं उनके आभारी हूं। मैं धन्यवाद भी उनको देता हूं। महाराष्ट्र राज्य के बीआरएस किसान विभाग के अध्यक्ष श्री मानिकराव कदम जी, हमारे सीनियर नेता श्री शंकर अन्ना धोंडगे जी, आपके लोकप्रिय नेता, आपके दिल जीतने वाला नौजवान ताकतवर नेता भगीरथ बालके जी, आवाज कम आई है, ये भगीरथ है, आगे चल के पूरे चंद्रबाग का पानी मंगलवाड़ में लाने वाले हैं, इनके नाम ही भगीरथ है। मंच पर उपस्थित नेतागण, सभा में उपस्थित भाइयों बहनों और माओं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। इन दिनों मैं एक प्रार्थना सबसे पहले आपसे करूंगा,
मेरे जो भी शब्द है आपके सामने, आप सुन के यहीं मत भूल जाइए। अपने गांव जाके जरूर अपने मित्र और अपने फैमिली में चर्चा कीजिए, अपने गांव में चर्चा कीजिए, इतना मेरा प्रार्थना है। इन दिनों एक बात मुझे बहुत सताता है, मैं हर सभा में कह रहा हूं महाराष्ट्र में, कि आज हमारे देश के लक्ष्य क्या है, भारत का लक्ष्य क्या है, देश का कोई लक्ष्य है या बिना लक्ष्य के हम गुमराह हो गए, हम भटक रहे अंधेरे के रास्तों में, क्या हो रहा है इस देश में। एक बार प्रति भारतीय को इस बारे में सोचने की बहुत सख्त समय आ चुका है, ये वक्त है उस समय का। आजादी का जंग एक वक्त था जिन कुर्बानियों के फल हमको मिला, लेकिन आज एक और आजादी की जंग लड़ना चाहिए। उस प्रकार का ही एक नया उमंग से, एक नया सवेरे का दिशा में पूरे भारत को चलना चाहिए क्रांति के मार्ग पर। इसलिए कि आजाद हुए हम भारत 75 साल गुजर गए, 75 साल कोई कम समय नहीं होता है। दुनिया भर में कई देश है जो हमारे सामने ही कहां से कहां पहुंच गए, जैसा कि साउथ कोरिया है, जापान है, सिंगापुर है, मलेशिया है, हमारे से जियोग्राफिकली कनेक्टेड है, हिमालय के उस पार में चीन है। आज चीन का एक समय में चीन हमसे गरीब थे 1982 तक, उसके आज का चाइना कहां है और हम कहां हैं, इस बात को हर किसी को सोचना चाहिए। चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कोई ना कोई जीत ही जाता है। कितने पार्टियों को हमने सपोर्ट किया, और महाराष्ट्र जैसे राज्य में मुझे एक पार्टी बताइए जिनको अवसर नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला। कांग्रेस तो पूरे 50 साल राज किया, उसके बाद में राष्ट्रवादी को भी आपने मौका दिया, शिवसेना को आपने मौका दिया, भाजपा को भी आपने मौका दिया। करना चाहते तो इनमें से कोई एक तो करते, उल्टा ये कह रहे हैं तेलंगाना के जैसे छोटे से राज्य में कम समय में, नया नवेला राज्य में किसानों के भलाई के लिए सब कुछ किया जा सकता है। मैं मराठी बोल नहीं सकता लेकिन समझ सकता हूं। बालके जी ने अपने बातों में सारे बता दिए तेलंगाना में क्या क्या स्कीम चलता है। ये स्कीम तेलंगाना में 5-6 साल से जब चल रहा है, महाराष्ट्र में क्यों नहीं? महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा राज्य है, स्थिर राज्य है, धनवान राज्य है, यहां किस चीज की कमी है? उल्टा ये कहा जा रहा है कि तेलंगाना का जो भी मामला है वो भूल भुलैया है, अगर महाराष्ट्र वो कर दे तो महाराष्ट्र सरकार का दिवाला निकलेगा। हां जरूर निकलेगा दिवाला, मैं भी मानता हूं इस बात का, निवाला निकलेगा नेताओं का और दिवाली होगा किसानों का। बिल्कुल दिवाली होगा किसानों का, राज का दिवाला नहीं निकालेगा। हम कहां से ला रहे पैसे? सभी पूछने लगे हैं आज उल्टा पलटा क्वेश्चन पूछने, लोगों को गुमराह करने। बालके जी बता रहे थे तेलंगाना की पार्टी है, बीआरएस तेलंगाना की पार्टी नहीं है, बीआरएस भारत बदलने का, भारत परिवर्तन का एक मिशन है, ये राष्ट्रीय पार्टी है। बड़े अजीब अजीब सवाल आते हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं। हम जब पंडरी दर्शन के लिए जब वहां से निकले, कितने लोग क्या क्या कह रहे हैं आपने अखबारों में देखा, टीवीओ में भी सुना। हां आ जाए जरूर, दर्शन करे लेकिन राजनीति ना करे। हम आके दर्शन कर रहे, पंडरीपुर में मेरे पीछे कई पत्रकार पड़े थे, मैंने वहां मुंह नहीं खोला, कुछ कहा भी नहीं उनको, वो नाराज भी हो गए मुझसे, लेकिन मैंने वो पुण्यस्थली है, क्षेत्र है, तो वहां मैंने कुछ राजनीति नहीं कहा, लेकिन यहां जरूर कहूंगा। मेरा एक बात है, मुझे समझ में नहीं आता, अभी अभी हम शुरू हुए महाराष्ट्र में, इतना आक्रोश क्यों है इतने सारे पार्टियों में, इतनी घबराहट क्यों है, हड़बड़ी क्यों है, इतना आक्रोश इतने छोटी पार्टी के लिए? 3-4 महीने हो गए हम यहां शुरू होके, कोई पार्टी हमें नहीं छोड़ रहा है। भाजपा एक वक्तव्य है, कांग्रेस का एक वक्तव्य है,
कांग्रेस ने हमको बीजेपी का बी टीम करार दिया, बीजेपी ने हमको कांग्रेस का ए टीम का करार दिया। ये पता नहीं ये टीम कहां से आते हैं। हम किसी का टीम नहीं है, हम टीम है तो किसानों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यक का और दलितों का टीम है। इस बात से कोई घबराए नहीं, हम अगर टीम है जैसा बालके जी ने कहा, पक्का पहली बार हिंदुस्तान में कहीं कहीं लोग कहीं कहीं नारे दिए, सिर्फ बीआरएस ही एकलौता एक ही पार्टी है जिन्होंने दिल फाड़ के कह दिया कि अब की बार किसान सरकार। पहले कोई पार्टी ने इस बात नहीं कहा। क्यों नहीं कहा भाई? 60% लोग तो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, किसान को और कामगार को जोड़ दो तो 60% से ज्यादा हो गए। अब इन लोगों को डर लगा है भाई, सब साफ साफ मालूम हो रहा है किसान जुड़ रहे बीआरएस के साथ, तो इसलिए उल्टा सीधे बात करने लगते हैं, बड़ा अजीब अजीब कमेंट्स करते हैं। मैं आपको साफ बताना चाहता हूं, ये तेलंगाना या महाराष्ट्र तक के लिए सीमित पार्टी नहीं है। आज के भारत के जितने भी समाधान, जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी समस्याएं हैं, उसका एक ही समाधान है कि भारत का परिवर्तन। परिवर्तित भारत ही हमारे सारे समस्याओं का समाधान है। हाँ, परिवर्तन चाहिए, इसलिए मैं दो चार शब्द बताता हूं आपको। भारत में 41 करोड़ एकड़ कृषि योग्य भूमि है। हिंदुस्तान में जिस प्रकार से पानी की उपलब्धि है, हमारे पास बरसात होती है इंडिया में 1,40,000 टीएमसी की, आधा तो उसमें बाष्पीकरण होता है लेकिन आधा पानी हमें प्राप्त होता है हमारे शुद्ध नदियों में बहते हुए। यानी कि भारत के हर एकड़ में अगर सरकार में दम हो, केंद्र या राज्य के सरकारों का नीति सही हो, तो हर एकड़ में हिंदुस्तान के भरपूर पानी दिया जा सकता है। अभी आते आते रास्ते में बालके जी मुझसे कह रहे थे, मंगलवार के इलाके में 25-35 गांव में पानी आने जो लाया जा सकता है, लेकिन नहीं कर रहे, यहाँ के सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है। क्या बात है, पानी जरूरत से ज्यादा है। 41 करोड़ एकड़ जो कृषि योग्य भूमि है भारत में, हर एकड़ को दिया जा सकता है और पीने के लिए भरपूर पानी दिया जा सकता है। मैं औरंगाबाद गया तो वहां बोल रहे, चंबाजी नगर उनका नाम बदल दिया, ठीक है, वहां गए तो कह रहे 8 दिन में एक बार पानी आता है।